साथियों, ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है, लेकिन एक दूसरे शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। 340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां है उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेसवे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, आंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई,
उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी, अब मुझे बताएं इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं, इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरों शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं। यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है।